हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द रेबल पोएट का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने इसी चैप्टर का पार्ट वन किया था। ठीक है, आज हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अंकल रहीम एंटर्स द रूम। अंकल रहीम जो है, चाचा रहीम, वो कमरे में आए। ही जॉइन इन द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, बातचीत। वो जो बातचीत प्रीतम और उसके पिता के बीच चल रही थी अबाउट काजी नजरुल इस्लाम साहब के बारे में, जो बातचीत चल रही थी नजरुल जी के बारे में, उसमें वो भी ज्वाइन करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीतम। Did Kumud Ranjan inspire him to write poem? तो inspire का अर्थ क्या बताया गया था? प्रेरित करना। ठीक है, तो प्रीतम पूछता है कि क्या कुमुद रंजन ने नजरुल जी को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था, प्रश्न पूछ रहा है। तो पिता कहते हैं यस, हाँ, बट नजरुल वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित, प्रभावित थे बाय रविंद्रनाथ एंड द पर्शियन पोएट। ठीक है, पर्शियन कवियों से, पर्शियन। ठीक है, एक देश है पर्शिया, वहां के रहने वाले लोगों को पर्शियन कहते हैं। पर्शियन कवि जैसे कि हाफिज, हाफिज और खयाम। ठीक है, खयाम, खयाम। तो पिताजी क्या बताते हैं कि हाँ, नजरुल जो थे वो कुमुद रंजन से तो प्रभावित थे ही, साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर और कुछ पर्शियन कवि जैसे कि हाफिज और खयाम से भी प्रभावित थे। तो फिर अंकल रहीम बताते हैं, Did you know that Najrul joined the army under the British? क्या तुम जानते हो कि नजरुल जो थे उन्होंने आर्मी भी ज्वाइन किया था अंग्रेजी सरकार के अधीन? ठीक है, he was in the 49th बंगाल रेजिमेंट। वो 49 बंगाल रेजिमेंट में कार्यरत थे। After the First World War, war का मतलब क्या होता है? First यानी पहला, World यानी विश्व, और war मतलब युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, after यानी के बाद। ठीक है, The regiment was disbanded. Disbanded का मतलब होता है भंग कर देना। ठीक है, तोड़ देना। इन 1920 तो ही केम टू कलकत्ता। तो वह कलकत्ता आ गए। तो अंकल रहीम ने क्या बताया कि क्या तुम जानते हो नजरुल जो थे उन्होंने आर्मी भी ज्वाइन किया था, वह 49th बंगाल रेजिमेंट में काम करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस रेजिमेंट को तोड़ दिया गया 1920 में, और इसीलिए जो है वो नजरुल कलकत्ता आ गए। Father, at that time Indians had risen against the British rule. उस समय जो भारतीय थे, Indians यानी भारतीय, risen का मतलब होता है उठ रहे थे, उठकर खड़े हो रहे थे, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। Against यानी के विरोध में, के विरोध, किसी भी चीज के विरोध में। ठीक है, किस चीज के विरोध में? ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में भारतीय खड़े हो रहे थे। नजरुल प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब होता है
प्रतिवाद करना, किसी चीज के विरोध में बोलना, ठीक है, अगर कोई चीज गलत है तो उसके विरोध में बोलने को हम लोग कहते हैं प्रोटेस्टेड, यानी प्रतिवाद करना। किस चीज के अगेंस्ट में कर रहे थे? अगेंस्ट द क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का मतलब होता है क्रूरता, CRUELTY, क्रुएलिटी यानी क्रूरता। ठीक है, अंग्रेज जो है क्रुएलिटी ऑफ द ब्रिटिश इन हिज ओन वे, ओन यानी ओन का मतलब होता है अपने, और वे का मतलब तरीका, वे यानी तरीका या रास्ता भी आप कह सकते हो। तो काजी नजरुल इस्लाम साहब जो है वो अपने तरीके से ब्रिटिश शासन की जो अत्याचार था, जो क्रूरता था उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। इनफैक्ट यहां तक कि इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स, उन्होंने कविता लिखना भी शुरू कर दिया, ऐसे लिखा एंड सॉन्ग, गाना भी, टू वॉइस हिज प्रोटेस्ट। वॉइस का मतलब होता है आवाज, अपने प्रतिवाद को आवाज देने के लिए उन्होंने कविता लिखनी चालू कर दी, निबंध एवं गीत भी लिखा। ही इज द रेबल पोएट ऑफ इंडिया, रेबल यानी आपको मैंने बताया था विद्रोही, तो वो भारत के एक विद्रोही कवि थे। प्रीतम, आई हार्डली न्यू एज मच, मैं तो इतना ज्यादा नहीं जानता। तो पिता कहते हैं यू शुड रीड हिज पोएम्स, तुम्हें उनकी कविताएं पढ़नी चाहिए। कैसी कविताएं? लाइक कौन सी कविताएं पढ़नी चाहिए? कंधारी हुनसियार, कंधारी हुनसियार, ठीक है, कंधारी हुनसियार। और क्या पढ़ना चाहिए? खेया पारे तरणी, ठीक है, खेया पारे तरणी, खेया पार एर तरणी, ये नजरुल जी के द्वारा लिखी गई कविता है। एंड ऑल्सो लिसन टू हिज सॉन्ग, और तुम्हें उनके गाने भी सुनने चाहिए। द ब्रिटिश वेयर अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, अफ्रेड यानी डरा हुआ, दैट नजरुल्स राइटिंग कुड इंस्टिगेट द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, जो अंग्रेज थे वो डरे हुए थे कि नजरुल का जो लेखन है वह कहीं भारतीयों को कुछ कार्यवाही करने के लिए ना प्रेरित कर दे, ठीक है, भारतीय को, जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वाधीनता संग्रामी है, कहीं उनको कुछ कार्य करने के लिए, कविता पढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित ना कर दे, इसलिए अंग्रेज सरकार जो थी वो डरी हुई थी। फिर प्रीतम कहता है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू, अच्छा तब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अंकल रहीम बताते हैं द ब्रिटिश ग्रियो परटर्बेट, परटर्बेट का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित, ठीक है, चिंता करना जिसे हम कह सकते हैं। तो अंग्रेजी सरकार की जो चिंता थी वह काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वे काफी ज्यादा चिंतित थे। उसके बाद क्या हुआ? पिता बताते हैं इन 1922 में नजरुल स्टार्टेड अ मैगजीन, एक मैगजीन शुरू किए जिसका नाम था धूम केतु, वेयर ही पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित करना, जहां वे प्रकाशित करते थे। क्या प्रकाशित किया था? आनंद मोयर आगामोने, एक पोयम, एक कविता प्रकाशित की थी। 1922 में
नजरुल साहब ने एक मैगजीन प्रकाशित किया था जिसका नाम था धूमकेतु, और उस धूमकेतु में एक कविता प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था आनंदमय आगमने, ठीक है, यानी आनंदमय का आगमन, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूं आनंदमय का आगमन, ठीक है, ये कविता का नाम है। फिर अंकल रहीम बताते हैं द ब्रिटिश रेडेड द ऑफिस ऑफ धूमकेतु। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उनका जो ऑफिस था धूमकेतु का उस पर छापा मार दिया। रेड करने का मतलब होता है छापा मारना। द पोएट वॉज अरेस्टेड, और नजरुल साहब को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया फ्रॉम कुमिल्ला। कुमिल्ला एक जिला है जो कि बांग्लादेश में अभी है, तो वहां पर नजरुल साहब को पकड़ लिया जाता है। तो प्रीतम कहता है What happened then? तब क्या हुआ? तो पिताजी बताते हैं He was transferred. Transferred का मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जानते थे उनको कोई ना कोई छुड़ाने की कोशिश करता, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मान लो तुम यहां पर हो, यहां से अगर तुमको दूसरी किसी जगह ले जाया जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड करना, यानी स्थानांतरित करना, ठीक है। तो कहां स्थानांतरित किया गया, टू द हुगली जेल, हुगली जेल में डाल दिया गया। कुमिल्ला में पकड़ा गया था और उनको कहां डाल दिया गया, हुगली जेल में। एंड देयर ही, और वहां पर उन्होंने बिगन शुरू किया फास्टिंग, व्रत करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया, ठीक है। फास्टिंग का मतलब उपवास, ठीक है। इट वॉज हिज वे टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है अत्याचार ऑफ ब्रिटिश। ये उनका अपना तरीका था अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ प्रतिवाद करने का, विरोध जताने का। फिर प्रीतम पूछता है फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही फास्ट फादर, उन्होंने कितने दिनों तक उपवास किया। तो पिताजी कहते हैं ही फास्टेड फॉर मोर देन वन मंथ, एक महीने से ज्यादा का उन्होंने उपवास किया था, ठीक है। मोर बोल रहा है, मोर माने ज्यादा, एक महीने से ज्यादा का। इन दिसंबर 1923 ही वॉज रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना फ्रॉम जेल, जेल से। इन 1923 दिसंबर में, 1923 दिसंबर को, 1923 में दिसंबर का महीना था, उनको जेल से छोड़ दिया गया। फिर प्रीतम कहता है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। नाउ आई विल एबल टू सिंग करारोई लोहा कपात, अब मैं करारोई लोहा कपात गाना गा सकता हूँ विथ जील एंड पेशन। जील का मतलब होता है उत्सुकता से, ठीक है, खुशी से, उत्सुकता। और पेशन का मतलब होता है लगाव। आई एम सो प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व, दैट द टीचर हैज सेलेक्टेड, सेलेक्टेड मैंने चुनी, चुना, ठीक है, मी फॉर सिंगिंग, गाना गाने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि शिक्षक ने मुझे गाना गाने के लिए चुना, ठीक है। ये हम लोगों ने नजरुल साहब जी के बारे में जाना। अब आगे देखते हैं, रहीम कहते हैं, रहीम चाचा कहते हैं देन लेट्स हियर यू सिंग, तब अपना गाना सुनाओ, वी विल सिंग अलोंग विद द एज वेल, तो हम भी तुम्हारे साथ गाना गाएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग एक्टिविटी 3 देखेंगे। इसमें कहा गया कि टिक द राइट आंसर, जो सही उत्तर है उसको टिक कीजिए। तो पहला वाला देखते हैं हिज पोएम्स इंस्पायर्ड द यूथ, उनकी जो कविता थी वह जो युवा वर्ग थे उनको इंस्पायर्ड करती थी, किस लिए, किस लिए प्रेरित करती थी, टू फाइट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, टू हेल्प द ब्रिटिश, ब्रिटिश की सहायता करने के लिए, टू टॉक द ब्रिटिश, अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए। तो जो नजरुल साहब की कविताएं थी वो प्रभावित करती थी, प्रेरित करती थी युवाओं को टू
फाइट द ब्रिटिश. ए नंबर सही उत्तर है. ठीक है, दूसरा देखिए, अ पोयम दैट ही रोट वॉज, उन्होंने जो कविता लिखी उसका नाम बताना है. तो यहाँ पर देखिए तीन कविता दी गई है. एक है आपका खेयार पारेर तोरणी, दूसरा है परेशन्ना प्रसन्ना, और तीसरा है बोध. तो इसका सही उत्तर है खेयार पारेर तोरणी. ठीक है, जो हम लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़ा है. तीसरा देखिए, नजरुल वॉज कॉल्ड, नजरुल को क्या कहकर पुकारा जाता था. फेयरी पोएट, परियों का कवि. द रेबल पोएट, विद्रोही कवि. द इंस्पायर्ड पोएट, प्रेरित कवि. इसका सही उत्तर क्या है, बी, उन्हें रेबल पोएट कह के पुकारा जाता था, विद्रोही कवि. आइए एक्टिविटी फोर देखते हैं. एक्टिविटी फोर में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सही के लिए ट्रू लगाओ, एफ फॉल्स के लिए, गलत के लिए फॉल्स लगाओ. तो पहला वाला देखते हैं. ए नंबर, नजरुल वॉज बॉर्न व्हेन इंडिया वॉज स्टिल अंडर द ब्रिटिश रूल. नजरुल का जन्म उस समय हुआ जब भारत जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था. तो यस, ये तो सही है, ट्रू. दूसरा, नजरुल वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू फोर्ट थिएटर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट. नजरुल जो थे वो लोक मंच के प्रति आकर्षित नहीं थे. तो ये तो फॉल्स है, उनको तो लोक मंच बहुत पसंद था, तभी तो कविता लिखते थे. तीन नंबर देखिए, इन स्कूल नजरुल मेट द ग्रेट पोएट कुमुद रंजन मल्लिक. स्कूल में नजरुल की मुलाकात कुमुद रंजन मल्लिक से हुई थी. तो ये बात सही है, क्योंकि कुमुद रंजन मल्लिक क्या थे, उनके हेडमास्टर थे. डी नंबर देखिए, नजरुल सर्वड द यूथ द इंडियन आर्मी अंडर द ब्रिटिश रूल. नजरुल ने भारतीय सेना में काम किया था ब्रिटिश शासन के अधीन. तो ये बात सही है, उन्होंने सेना में काम किया था. और उसके बाद ई नंबर देखिए, नजरुल फास्टेड फॉर 30 days. नजरुल ने 30 दिन तक का उपवास किया था. तो नहीं, मोर देन 30 days था. याद है आपको, एक वर्ड मैंने आपको कहा था मोर देन, ठीक है, 30 दिन से ज्यादा का उपवास किया था उन्होंने. तो ये फॉल्स हो गया आपका. ठीक है, आइए एक्टिविटी 5 देखते हैं. ओके, एक्टिविटी 5 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि फिल द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. जो चार्ट में दिया गया है उसके अनुसार जो है वो इसको भरना है. ठीक है, जो टेक्स्ट में दिया है उसके हिसाब से इसको चार्ट को भरना है. तो 1910 में क्या हुआ था, 1910 में क्या हुआ था, 1910 में नजरुल जो है वो निवारण चंद्र घोष घटक से मिले थे. ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, नजरुल NAZRUL, नजरुल मेट MET मेट द निबा रन चंद्र हटक. ठीक है, अच्छा अब देखो ये घटना कब हुई थी. द रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड, जो रेजिमेंट था जिसमें वो काम कर रहे थे उसको डिसबैंडेड कब कर दिया गया था, कब उसको हटा दिया गया था. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो आर्मी में काम कर रहे थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब 1922 में, ठीक है, सॉरी 1920 में, 1920 में जो रेजिमेंट थी उसको भंग कर दिया गया था. फिर 1922 में क्या होता है, 1922 में नजरुल जो है वो एक मैगजीन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहता है धूमकेतु. नजरुल स्टार्टेड अ मैगजीन धूमकेतु, यहां लिख देती हूँ मैं, DHUM केतु, KETU. ठीक है, अच्छा लास्ट वाला, नजरुल वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल.
रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। नजरुल को जेल से कब रिहा कर दिया गया, कब छोड़ दिया गया, तो 1923 में छोड़ दिया गया। अब हम लोग एक्टिविटी 6 करेंगे, जिसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका जो है आंसर देना है। सो द फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में है कि हु इंस्पायर्ड नजरुल टू राइट पोयम, किसने जो है नजरुल को कविता लिखने के लिए अनुप्रेरित किया था या प्रेरित किया था। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, दूसरा कौन था, दूसरा पर्शियन राइटर थे हफीज और खेयाम, ठीक है। तो हम लोग कुमुद रंजन मल्लिक भी थे, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले हेडमास्टर के नाम से ही शुरू करते हैं, कुमुद रंजन मल्लिक रविंद्र नाथ रविन्द्रनाथ एंड पर्शियन पोएट्स लाइक हफीज हफीज एंड खयाम KHAIYYAM खयाम इंस्पायर्ड नजरुल टू राइट पोयम ठीक है। ये वन नंबर खत्म, बी ए नंबर खत्म, बी नंबर व्हाई डिड नजरुल हैव टू लीव द आर्मी, क्यों जो है नजरुल को आर्मी छोड़नी पड़ी, क्या कारण था। तो आंसर देखिए, बी नंबर ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। हम लोग आंसर लिखेंगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द रेजिमेंट वॉज डिसबेंडेड, इन 1920 दैट्स वाई he have to leave the army, इसके कारण उन्हें आर्मी छोड़नी पड़ी। ओके, तो सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी नंबर क्वेश्चन, In which magazine was the poem आनंदमोयर आगमने published? किस मैगजीन में आनंदमयी का आगमन जो कविता है वो published हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या था? धूमकेतु कविता में, याद है आप लोगों को, जो कविता इन्होंने लिखी थी धूमकेतु
उसमें इनकी इनका जो है ये कविता प्रकाशित हुआ था। सी नंबर का आंसर लिखते हैं, सी नंबर का आंसर आनंदमय आगमने ए एन ए एन डी ए एम ओ वाई डबल ई आर आनंदमय आगमने ए जी ए एम ओ एन ई was published p u b l i s h e d published in the magazine Dhoomketu in the magazine Dhoomketu। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन डी नंबर, व्हाई डिड नजरुल स्टार्ट फास्टिंग, नजरुल जी ने फास्टिंग करना यानी कि उपवास करना क्यों शुरू किया। ठीक है, तो हम लोग डी का आंसर लिखते हैं यहाँ पे, नजरुल स्टार्टेड फास्टिंग फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अगेंस्ट द क्रुएलिटी सी आर यू ई एल टी वाई क्रुएलिटी एंड टॉर्चर टॉर्चर ऑफ द ब्रिटिश बी आर आई टी आई एस एच। तो अंग्रेज सरकार के जो क्रूरता थी और अत्याचार था उसके विरोध में नजरुल साहब जी ने उपवास करना प्रारंभ किया। ठीक है, एक्टिविटी 7A देखते हैं। ओके, एक्टिविटी 7A में एडवर्ब बताए गए हैं, तो इसमें तीन तरह के एडवर्ब बताए गए हैं। एक तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बहुत सिंपल है बच्चों, जिस भी सेंटेंस से आपको टाइम का पता चले उसको आपने क्या करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम कर देना है, प्लेस जगह का पता चले और मैनर व्यवहार का पता चले। ठीक है, तो वहां पे आपको कर देना। तो इसमें कह रहा है कि आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले देखो, नाउ आई विल गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल जाऊंगा। तो अब मतलब क्या है, समय, नाउ का मतलब समय, इसलिए समय जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के भीतर आता है, इसके लिए हम लोग नाउ कर देंगे। ठीक है, दूसरा है ही सेट बिसाइड मी, तो इसमें बिसाइड यानी पीछे, ठीक है, बगल में, तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, प्लेस है ये। ही विल वॉच अ प्ले टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल, तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, समय का पता चल रहा है। सी ईगरली वेटेड फॉर द रिजल्ट, वह उत्सुकता पूर्वक जो है वो रिजल्ट का इंतजार कर रही है। तो ये क्या है, ये व्यवहार है, किस तरीके से, दुखी होकर, मुस्कुरा कर या उत्सुकता पूर्वक या ईगरली। ठीक है, इसी तरीके से 5 नंबर, द ट्रेन मूव्ड स्लोली आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन से धीरे धीरे जा रही है, कैसे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, स्लोली। वी वॉन द मैच यस्टरडे, हम कल मैच जीत गए, यस्टरडे एंड टाइम। ठीक है, जहां कहीं भी टाइम रहेगा, समय रहेगा, व्यवहार रहेगा, वहां पे आप कर देना। कम हेयर, हेयर यानी जगह, यहाँ आओ। आई शिल ग्रेटली डू इट, मैं इसे खुशी के साथ करूंगा। तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी आपने क्या करना है, इन सबको इन तीनों के जगह पे भर देना है। तो सबसे पहला है नाउ, नाउ यानी टाइम, तो टाइम किस में जाएगा, नाउ।
इसके बाद आपका है बिसाइड. बिसाइड क्या है? प्लेस. ठीक है. हाँ, ही सेड बिसाइड मी. बिसाइड क्या है आपका? प्लेस है. एक सेकेंड. ही सेट बिसाइड मी. ठीक है. ओके. इसके बाद क्या है? टुमारो. टुमारो यानी समय. तो समय किसमें जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम में. गर्ली. गर्ली यानी उत्सुकता के साथ व्यवहार है. स्लोली धीरे धीरे व्यवहार है. यस्टरडे आने वाला कल है. हेयर यानी यहाँ. प्लेस है. ग्रैडली यानी खुशी के साथ व्यवहार है. ठीक है. तो ये आपका हो गया. इसके बाद एक्टिविटी 8 करेंगे हम लोग. एक्टिविटी 8 क्या कह रहा है? लेट्स लर्न हाउ टू पेंट अ पॉट. मान लो कोई पॉट है. ठीक है. तो पॉट यानी बर्तन. ठीक है. तो एक बर्तन है, उस बर्तन को रंग करना है. तो उसके लिए यहाँ पर कुछ हिंट्स दिया गया. तो सबसे पहले अ पॉट इज वॉट. सबसे पहले आप बर्तन खरीद के लाओगे. फिर क्या करोगे? बर्तन को अच्छे से पानी से वॉश कर दोगे. वॉश करने का मतलब धो डालना. ठीक है. अच्छे से धो दोगे. ठीक है. फिर इट इज ड्राइड इन द सन. उसको सूरज के धूप में सुखा दोगे. और उसके बाद क्या करोगे? इट इज पेंटेड. अब उसको पेंट कर दोगे. जब पेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्या करोगे? पॉलिश. पॉलिश कर दोगे सरफेस पर, ताकि क्या होगा? शाइन हो जाएगा उसके ऊपर. अच्छे से उसको पॉलिश कर दोगे. ठीक है. तो इसको आपने क्या करना है? यहाँ पर कुछ लिंकर्स दिए हुए हैं. मतलब ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ लिंकर्स दिए गए हैं. इन लिंकर्स की सहायता से आपको जो है इस पे एक पैराग्राफ लिखना है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. लिंकर्स सामने रख देते हैं ताकि हम लोग को जोड़ने में सुविधा हो. चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? एट फर्स्ट. एट फर्स्ट यानी सबसे पहले. एट फर्स्ट अ पॉट. एक जो पॉट है, बर्तन है, इज बॉट. फिर क्या करेंगे? देन. उसके बाद. देन. देन का मतलब होता है उसके बाद. देन उसके बाद धोएंगे ना उसको. इट इज वॉश्ड विथ वाटर. पानी के साथ धो देंगे. विथ वाटर. फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट. फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट उसको सुखा देंगे. इट इज ड्राइड. ड्राइड इन द सन. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? देर आफ्टर ना. देर आफ्टर उसके बाद. देर आफ्टर डिस पेंटेड. अब उसको रंग देंगे. अब उसके बाद क्या करेंगे? जब पेंट हो गया तो अब उसके बाद एकदम लास्ट में, एट लास्ट, आखिर में उसको हमको पॉलिश करना है. एट लास्ट पॉलिश इज अप्लाइड टू मेक द सरफेस. जो ऊपर है बर्तन को चमकीला बनाएंगे. सरफेस मतलब क्या होता है? सतह.
टाइनी जो सरफेस है उसको अच्छे से पॉलिश कर देंगे ताकि वो चमकदार नजर आए. ओके एक्टिविटी नाइन देखते हैं. इसको एक बार आप एक मिनट रुकिए, इसको एक बार पॉज कर लो. पॉज करके अब इसके बाद आप इसको जो है वो लिख लो. ठीक है चलिए अब इसके बाद एक्टिविटी नाइन देखते हैं. एक्टिविटी नाइन में राइट एट सेंटेंसेस अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर के बचपन के बारे में आठ सेंटेंस लिखिए. हेयर आर सम पॉइंट्स. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको लिखना है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, उनका जन्म कब हुआ. ठीक है फिर वो स्कूल कैसे गए, फिर उन्होंने घर में सीखा. ठीक है क्या सीखा, मैथमेटिक्स सीखा. उनके टीचर कौन थे, अघोरे बाबू. और उसके बाद वो जो है वो बरेंडा में खेलते थे, एक टीचर का ही रोल निभाते थे खेलते वक्त. नाटक खेलते थे और नाटक में टीचर का रोल निभाते थे. ठीक है टॉट द रेलिंग बार्स एज इफ देयर वेर स्टूडेंट्स. वे बताते थे कि कैसे जो है वो नियम बनाना है. ठीक है और उसके बाद आखिर में कंक्लूजन लिख देना है, कंक्लूजन बता देना है. ठीक है चलिए शुरू करते हैं. क्या करते थे, जो बरामदे में रेलिंग बार्स थे उसको वो एक स्टूडेंट की तरह समझते थे. रेलिंग बार को स्टूडेंट की तरह समझते थे और उसको ही शिक्षा देते थे. चलिए हम लोग इसी के आधार पर लिखना शुरू करेंगे और उसको समझते हुए भी चलेंगे. देखिए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ कर जन्म मतलब बताएंगे. रविन्द्र नाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 8 May 1861. ठीक है ही डिड इंजॉय फॉर्मल स्कूल. ही डिड इंजॉय फॉर्मल स्कूल. ठीक है या फिर आप स्कूलिंग कर लो, स्कूलिंग है ना. हाँ स्कूलिंग. ठीक है उसके बाद लेकिन उनको घर में ही पढ़ाया गया था. वॉज टॉट एट होम है ना, देखिए वॉज टॉट एट होम. उसी तरीके से तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बट ही वॉज टॉट एट होम. बट ही वॉज टॉट ने घर पर ही पढ़ाया गया था. ठीक है और जो अघोर बाबू थे, अघोर बाबू AGHORE अघोर बाबू, उनके मैथमेटिक्स के टीचर थे. वॉज इज मैथमेटिक्स टीचर. ठीक है उसके बाद वो क्या करते थे कि वो खेलते थे. ठीक है तो उसमें क्या करते थे, टीचर का ही रोल निभाते थे. जो लोहे के बार्स होते थे वो बरामदा में खेलते थे. बरामदा में जो लोहे के खिड़कियां होती थी उसी को वो अपना स्टूडेंट समझ लेते थे. ठीक है ही टॉट द रेलिंग bars of veranda
एज इफ दे वेयर स्टूडेंट, एज इफ दे वेयर स्टूडेंट्स, ठीक है, और वे तरह तरह के नाटक खेला करते थे. दस इस प्रकार, ठीक है, दस इस प्रकार ही प्लेड अलोन, वे अकेले ही खेला करते थे. ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है आखिर में, एकदम लास्ट, उन्होंने अपने घर के बाहर जो है उन्होंने लास्ट में कविता लिखना शुरू कर दिया था बचपन में ही. ही बिगन राइट, फिर से लिख देती हूँ, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट पोएम्स एट हिज वेरी अर्ली एज, अपने बचपन से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था. तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर. तो इसी के साथ इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज है वो खत्म होती है. सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने कर लिया है, लास्ट में केवल एक स्क्रैप बुक का वर्क है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए यहाँ पर नहीं करवाया गया है. तो आशा है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसके द्वारा आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर पाओगे. तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू एवरीवन.